जय दुर्गा। आज का जो सेशन है उसका हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है बट ये अप्लाइड पार्ट है। तो आज हम लोग जो फ्लूइड के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, उसका उपयोग करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स है क्या ना? तो जो हमने अभी तक फ्लूइड को पढ़ा है, जहां तक जो अभी तक हमारा सिलेबस है, अगर उस पर थोड़ी एक नजर हम डालें, तो पहला चैप्टर में आपने पढ़ा कि फ्लूइड क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। दूसरे चैप्टर में फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। फिर फ्लूइड इज इन मोशन, देन उसको काइनेमेटिक एनालिसिस किया, डायनामिक एनालिसिस किया। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे बर्नौलीस इक्वेशन कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। तो बर्नौलीस इक्वेशन में हमने देखा कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें, कैसे उस एनर्जी से हम एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर सकें जिसका यूज कहीं ना कहीं डेली लाइफ में। जिससे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आज हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं सब में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। आज जो ग्रोइंग वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी की ओर जा रहा है, सब चीज इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं, और अगर हम देखें प्रकृति में, तो वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो ये रिसोर्स अवेलेबल है, नदी का पानी है, बाढ़ का पानी आता है, क्या हम इस वाटर को यूटिलाइज करके कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में बना सकते हैं? या वाटर को ही अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, या कोई भी फ्लूइड को भेजना हो प्रेशराइज करके, तो क्या हम वहां पे हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स बेसिकली वैसे मशीन्स हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं एनर्जी कन्वर्जन होगा, हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल और मैकेनिकल इंटू हाइड्रोलिक। तो बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स को दो भागों में बांटा गया जो हमारे सिलेबस में है। पहला हाइड्रोलिक टर्बाइन और दूसरा हाइड्रोलिक पंप। यहां पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास टर्बाइन दो तरह के होते हैं, स्टीम टर्बाइन भी हमारा होता है और हाइड्रोलिक टर्बाइन भी है। क्योंकि स्टीम टर्बाइन स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है, वहां भी वर्किंग फ्लूइड हमारा स्टीम ही है, वो भी फ्लूइड में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोलिक मशीन्स की बात करते हैं, एक चीज क्लियर हो जाती है कि इधर मेरा वर्किंग फ्लूइड वाटर है। तो ऐसा टर्बाइन जिसमें वाटर यूज हो एज ए वर्किंग फ्लूइड, तो वो हाइड्रोलिक टर्बाइन हो गया। इसी का भाई है बेचारा हाइड्रोलिक पंप, और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। कैसे है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन को अगर हम सिंपल शब्दों में डिफाइन करें, जो सेमेस्टर में यूजुअली या सामान्यतया जो छोटे छोटे बुकों में स्मॉल लेवल पे बताया जाता है, कि उसे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज ए मशीन्स विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। और हाइड्रोलिक पंप को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये फंडामेंटल डिफिनेशन है और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, ये सबको जानते हैं। बट मैं आपका यहां पे थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट डिफिनेशन की ओर चलेंगे और थोड़े क्लासिफिकेशंस की ओर चलेंगे। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक टर्बाइन एक ऐसा मशीन है जो फ्लोइंग फ्लूइड में, जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले। फ्लोइंग फ्लूइड में एनर्जी होगी, चाहे वो काइनेटिक फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेशर एनर्जी फॉर्म में हो, या अगर एलिवेटेड जगह पे है तो वो पोटेंशियल फॉर्म में भी हो। तो जो भी फ्लोइंग एनर्जी है, उस एनर्जी को हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ रनर या एक शाफ्ट। रनर क्या है? बेसिकली एक शाफ्ट है। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन ऐसा हाइड्रोलिक मशीन है जो फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में एज ए आउटपुट। ये आउटपुट हमें मिलेगा कैसे? जो हमारा शाफ्ट है, रनर शाफ्ट है जिसपे हमारा टर्बाइन लगा है, जो घूम रहा है, उस वो जो शाफ्ट घूम रहा है उसके पास जो पावर आ रही है,
दैट इज कॉल्ड शाफ्ट पावर, और वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी ही है, मैकेनिकल पावर ही है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर यूटिलाइज कर लेंगे, कैसे, उस शाफ्ट को कपल कर देंगे जनरेटर से, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और वही इलेक्ट्रिकल आउटपुट जिसे आप जैसे सुनते होंगे पनबिजली परियोजना कोई भी हो, उसका 100 मेगावाट का ये है ना, सतलज जल विद्युत परियोजना जो 50 मेगावाट है, ये 50 मेगावाट दैट इज इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो ये आपको मिल जाएगा। तो हम इसी डिफिनेशन पे आ रहे हैं, इसी कन्वर्जन पे आ रहे हैं, लेकिन इसको समझना होगा कि हाइड्रोलिक टर्बाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं ना कहीं फ्लूइड के हाइड्रोलिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी में एज ए आउटपुट। तो आई मीन टू से हाइड्रोलिक टर्बाइन जो है कहीं ना कहीं पावर प्रोड्यूस कर रहा है या पावर जेनरेट कर रहा है। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन हमको वर्क प्रोड्यूसिंग या पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोलिक पंप की बात करते हैं, बिल्कुल रिवर्स होता है। हाइड्रोलिक पंप एक ऐसा एनर्जी है जो बहते हुए फ्लूड में, बहते हुए फ्लूड की जो एनर्जी है उसको एनर्जी दे देता है, गिविंग नेचर, पंप एनर्जी दे देता है। इसको मैं कॉमनते एग्जांपल में बताता हूं कि फ्लूड बह रहा है, जा रहा है, बेचारा उसके पास एनर्जी कम है, तो चलो एक ग्लास बॉर्नविटा पिला दो, पावरफुल हो जाएगा, एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पंप क्या करता है कि फ्लोइंग फ्लूड की एनर्जी में और एनर्जी ऐड करता है। अब ये एनर्जी ऐड कैसे करेगा, तो उसके लिए उसको पहले हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना होगा, मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट। बट जहां तक हमारे पास एनर्जी इनपुट की बात होती है, तो वो हमारे पास यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आप मान लीजिए स्विच बोर्ड से आप एनर्जी देते हैं, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी गया, फिर पंप में एक डिवाइस होता है मोटर, जस्ट जनरेटर का उल्टा। मैंने आपको बताया था टर्बाइन में जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इधर मोटर उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट, और इस एनर्जी इनपुट को हम यूज करते हैं जो भी फ्लूड हमारा आ रहा है उसको देने में, और वह हाइड्रोलिक एनर्जी के रूप में आता है। हाइड्रोलिक एनर्जी यहां पे अगर बेसिकली समझे तो पंप का जो पर्पस है, अगर मैं कहता हूं हाइड्रोलिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है मेनली। इसको अगर हम एक शब्द में, एक वाक्य में बताना चाहें कि पंप का क्या काम है, तो एक लाइन में आप लोग कहेंगे कि पंप का काम है फ्लूड के प्रेशर को बढ़ाना, फ्लूड के प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना, ना ना। जैसे इसको कह सकते हैं कि फ्लूड के पास था, आपने बॉर्नविटा पिला दिया, तो बॉर्नविटा पिलाया तो उसमें भाई एनर्जी आ गया और ताकत बढ़ गई, तो अब उसको कहेंगे भाई अब आप रिवर्स चले जाइए, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो फ्लूड जो है, जो पंप हमारा होता है, वो क्या करता है, नीचे से पानी खींचता है, उसको और एनर्जी दिया, पावरफुल हो गया, फिर कहते ऊपर टैंक में चले जाओ, तो बेचारा फ्लूड अपना ऊपर चला जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन की बात हो गई। इसमें अगर एनर्जी की हम बात करें कन्वर्जन की, तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें हुआ, हाइड्रोलिक एनर्जी में।